प्रिय दर्शकों, खबरों की ओर बढ़ने से पहले अपना प्यारा सा साथ देते हुए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करके हमें और हमारी टीम को हौसला अवश्य प्रदान करें। तो आइए खबरों की ओर बढ़ते हैं। साइबर अपराध के विरुद्ध गिरिडीह साइबर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और लगातार पुलिस को सफलता भी मिल रही है। इस अभियान के तहत अब तक 155 साइबर अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। इसी क्रम में इस बार गिरिडीह पुलिस ने 3 अलग अलग जिले गिरिडीह, कोडरमा और जामताड़ा के अलग अलग गांव में छापेमारी कर कुल 7 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। गिरफ्तार साइबर अपराधियों में गांडे थाना क्षेत्र के मरगोडी का लक्ष्मण मंडल, दिनेश मंडल, मिनेश मंडल, जामताड़ा जिले के नारायणपुर का बलराम मंडल, प्रकाश मोहली, बेंगाबाद थाना क्षेत्र के गेनरो का जगेश्वर साव और बेंगाबाद थाना क्षेत्र के गादी का मनीष कुमार मंडल शामिल है। इन अपराधियों के पास से पुलिस ने 16 मोबाइल फोन, 16 सिम कार्ड, 5 एटीएम कार्ड, 2 पासबुक, 2 क्यूआर कोड, 1 बजाज पल्सर बाइक और 1 चार पहिया वाहन मारुति सुजुकी XL6 लेटेस्ट मॉडल की कार को बरामद किया है। उक्त आशय की जानकारी रविवार को गिरिडीह SP दीपक कुमार शर्मा ने प्रेस वार्ता आयोजित कर दी। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि ये सभी अपराधी अपने आप को बिजली विभाग का फर्जी अधिकारी बनकर बकाया बिजली बिल का भुगतान करने के नाम पर ठगी करते थे, साथ ही साथ लोगों को बिजली काटने की धमकी देकर लोगों से ठगी किया करते थे। इसके अलावा यह सभी साइबर अपराधी AnyDesk टीम व्यूवर का एप्लीकेशन इंस्टॉल करवाकर लोगों को ठगने का काम करते थे। साथ ही ये सभी साइबर अपराधी वृद्धा पेंशन योजना का प्रलोभन देकर और फर्जी बैंक अधिकारी बनकर लोगों से ठगी किया करते थे। SP श्री शर्मा ने बताया कि प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से यह सूचना मिली कि गांडे थाना क्षेत्र के कुछ साइबर अपराधी फर्जी सिम का उपयोग करके लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, जिसके बाद साइबर DSP संदीप सुमन समदर्शी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया और अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर कुल 7 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई। गिरिडीह पुलिस के द्वारा साइबर अपराधियों के विरुद्ध में लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में सूचना प्राप्त हुई कि फर्जी सिम के माध्यम से कुछ साइबर अपराधियों के द्वारा गिरिडीह जिला के सीमावर्ती क्षेत्र में एवं अन्य क्षेत्रों में साइबर अपराध किया जा रहा है। इसी सूचना पर साइबर DSP के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया और टीम के द्वारा छापामारी करते हुए 7 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। उनके पास से 16 मोबाइल, 16 सिम, 5 ATM कार्ड, 2 पासबुक, 2 QR कोड मशीन्स, 1 मोटरसाइकिल और 1 महंगी मारुति सुजुकी XL6 वाहन बरामद की गई है, जो साइबर अपराध से ठगे गए पैसे से खरीदी गई है। और साइबर अपराधियों के द्वारा वृद्धावस्था पेंशन दिलाने के नाम से फर्जी बैंक अधिकारी बनकर और उनका बिजली कनेक्शन कट जाने का झांसा देकर ठगी किया करते थे। साइबर अपराधियों के विरुद्ध में गिरिडीह पुलिस के द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है वो आगे भी लगातार जारी रहेगा। सर, इनकी गिरफ्तारी कहाँ से हुई? इसमें से 2 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी जो है वो जामताड़ा थाना क्षेत्र से हुई है और अन्य 5 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी गिरिडीह जिला से। सर, गिरफ्तारी के दौरान अपराधियों ने मोबाइल को कुआं में फेंक दिया था, तो उसमें हमारी टीम जब गिरफ्तारी का प्रयास कर रही थी तो वो लोग भागने लगे और हमारी टीम के द्वारा उनको दौड़ाकर पकड़ा गया है। और भागने के क्रम में उन्होंने साक्ष्य छुपाने के नियत से जो साक्ष्य संबंधित मोबाइल था उसको वहाँ के एक ग्रामीण कुएं में फेंका, जिसको कि पुलिस के द्वारा मोटर पंप की व्यवस्था करके लगभग 3 घंटे मशक्कत करने के बाद से दोनों मोबाइल को बरामद किया गया। और दोनों मोबाइल में इनके विरुद्ध पूरी तरह से एविडेंस मौजूद थे और जिसके आधार पर इनकी अरेस्टिंग भी की गई। इसके साथ अन्य खबरों से जुड़े रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।